मुसलसल जो वीडियो वायरल होते हैं वो जब हम वीडियो वायरल करते हैं तो एपी सिंह कहते हैं कि ये एक साजिश है, साजिश नहीं है एपी सिंह साहब, ये तुम्हारी हकीकत है। अगर अब भी आपको अपना शीशा देख के अपना चेहरा नज़र नहीं आता तो फिर बदकिस्मती आपका है, हमारा नहीं। अब तक भी मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि जो है ये पाकिस्तान वालों की जो है साजिश है, साजिश नहीं तुम्हारा ये साजिश है। ये घटिया हरकत आप लोग कर सकते हो, एपी सिंह कर सकते हैं, सज्जन कर सकते हैं, आप लोगों ने किया और किसी ने नहीं किया, ये वाजे तौर मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर। आप भी अब मानने से इनकार करते हैं, आंखों से चश्मा पहनकर सच्चाई को छुपा नहीं सकता एपी सिंह साहब। याद करना, सच्चाई हमेशा सामने आ जाता है, देर सवेर होता है, सच्चाई कभी किससे नहीं छुपता। तमाम इंडिया से सोशल मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो वो हक और सच की बात करता है। देखो, आप हमेशा मुसलसल झूठ बोलते जाते हो, कब तक झूठ बोलोगे? झूठ का अंत ख़त्म होने वाला है एपी सिंह साहब। नेत्रपाल हो, सचन हो, या बाबा हो, या सीमा को आप लोग जबरन बयान दिलवाते हो और उसको मारपीट पड़ता है, पता नहीं मीडिया में आकर जो है वो बयान चेंज करता है, क्या वजूहात हैं? बच्चे महफूज नहीं है, बच्चों को माँ से अलग किया जाता है, रात को बच्चे कहाँ सोते हैं एपी सिंह, ये आपको पता है? ये भी मैं आपको बताऊँ, बच्चे मुसलसल जो आए तो 2 से 3 घर छोड़ के बाहर सोते हैं मेरे बच्चे, घर से अलग किया जाता है, और सारे चार्ट्स, गवाह, सबूत, क्या वॉइस भी झूठे हैं, वीडियो भी ये झूठा है। आप कब तक किस किस को झूठा करार करोगे? सारे सच आपके सामने पड़ रहे हैं, मगर फिर भी आप अंधे और जो है बहरे बने हुए, शायद आपके आंखों की बिनाई चली गई, आपकी आंखें काम नहीं कर रहे, फड़फड़ा रहे हो, क्या मसला है? अब तक भी इतने सच्चाई के बाद भी आप जो है बड़बड़ाते हो, मुझे तो समझ बात नहीं आ रहा है। शर्मसार तो हो आप, वो तो आपके आंखों से नजर आ रहा है क्योंकि चश्मा पहना हुआ है और आंखों को छुपा रहे हैं आप। याद रखना, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं शुरू से लेकर आज तक मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलता हुआ आ रहा हूँ। ये नजेब हरकतें कर रहा है एपी सिंह साहब है, सचिन है, या नेत्रपाल है, सचिन को कहता हूँ आपका घेरा तंग है, याद रखना, आपको कोई माँ का लाल बचा नहीं सकता। याद रखना, आपने जो उतली पुतली की, ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान वाले अपने दुकान चला रहे हैं, दुकान तो आप चला रहे हो, ये आप हमें नहीं कह सकते, उस दुनिया को पता है, सोशल मीडिया हिंदुस्तान के तमाम लोगों से अगर पूछो तो दुकान आप चलाते हो, सीमा चलाता है, नेत्रपाल चलाता है, बाबा चलाता है, सजन की बहू, ये जो दूसरी औरत वगैरह वो ही चलाते हैं। यूट्यूब पे फेमस तो आप लोग हो गए हो, मेरे बच्चों का नाम लेकर रोजी रोटी पे तो आप लगे हो, मुझे कह रहे हो शर्म से डूब मरो, मेरे बच्चों का कमाई खा रहे हो, उनका सदका उतारा करोगे, कब तक? सच्चाई तो सामने आनी है, तमाम लोगों को पता चल चुका है, और कभी सच कभी छुपता नहीं है, देर सवेर सामने आ जाता है। आपको मैंने आपका असली चेहरा बताया है, और भी बाकी सारे चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, तब तो आपको शर्म तो हाया तो है नहीं, आपको क्या क्या दिखाएं आप बताओ। क्या आप जो है ना, गलती भी मर्द माना करता है, आप कायर हो, बुजदिल हो, आप छुपते हो हमेशा, बुजदिल जो है ना हमेशा छुपता है, आपने कभी माना है? कभी नहीं मानोगे क्योंकि आप बुजदिल हो। हार भी बबर शेर मानता है, कभी भी हार कर भी हाँ वाकई मैंने ये गलती की, गलती दिलेर लोग माना करते हैं, आप दिलेर नहीं हो एपी सिंह, बुजदिल हो, बुजदिल कभी सच्चाई नहीं बताता, याद रखना। जो ये वीडियो में भर रहा हूँ तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, माएँ बहनें बेटियाँ सबके सामने, देखो वीडियो मैंने जारी की, उसका वॉइस रिकॉर्ड जारी किया, एपी सिंह को जब वो चार्ट कह रहे हैं, एपी सिंह का डीपी, एपी सिंह का नंबर, अब भी कहते हैं कि जो है ये सारे झूठे हैं, तो झूठ तो खुद एपी सिंह साहब खुद है, एक बनाया हुआ झूठ है। कब तक एपी सिंह आप जो है झूठ बोलोगे, लोगों को गुमराह करोगे? आपकी ज़िंदगी को मैं क्या कहूँ, क्या नाम दूँ? तब तमाम लोगों को पता चल चुका है आप एक जो है एक टोपी सिंह हो, शुरू से लेकर आज तक मैंने आपको टोपी का नाम दिया है, तो टोपी ही हो आप, याद रखना। ऐसे सबूत मेरे पास हैं, वो भी बहुत मैं जल्द रिलीज़ करूँगा लोगों के सामने। लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, सच्चाई कभी नहीं छुपता। आज या कल से वीडियो वायरल है तो एपी सिंह साहब का गला खुश्क हुआ पड़ा है, याद रखना। ऐसी बहुत सारे सबूत हैं, सबूतों को देखकर
अब भी आप शर्मसार नहीं हो रहे और मजीद लोगों को कह रहे हैं ये जो है साजिश है, साजिश नहीं है, ये टोपी सिंह का साजिश हो सकता है। आपके आपको चार्ज किए गए, आपको नहीं किए गए, आप क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ ना, लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे हो? सच्चाई सामने से सामना करने से डरते हो आप? बुजदिल कायर सच्चाई, आपको ही सीमा ने मैसेज किया था कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, आप ही मानने से इनकार कर रहे हो। चार्ट्स आपको मैंने भेजे हैं और भी मैं रिलीज करूंगा चार्ट्स वगैरह। अभी भी क्या करें, एक इंसान होता है गलती के बावजूद भी गलतियां कर रहा है और कह रहे हैं कि नहीं मैं तो जो है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ है। वीडियो कैसे आए मेरे पास, कैसे मैंने आप लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं। एपी सिंह साहब याद रखना, सीमा मैं आपको अभी भी कहना चाहता हूँ, आपको कोई भी बात है आप सामने आओ, खुलकर बात करो, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, सिर्फ ये डरपोक हैं। एपी सिंह हो, नेत्रपाल हो, सचिन हो, ये डरपोक हैं, ये सामना करने से डरते हैं, हमेशा पीछे से वार करते हैं। हम दिलेर लोग हैं, सामने वार करते हैं। याद रखना एपी सिंह, आपको मैंने अपना आपका असली चेहरा बताया है, और भी ऐसे बहुत सारे सबूते हैं। तमाम इंडिया के लोग जो है बाशहूर गैरतमंद माएँ बहने बेटियों को कहना चाहता हूँ कि देखो इसका, देखो मैंने कैसा इसका असली चेहरा सामने लेके आया, सीमा का और एपी सिंह साहब का और नित्रपाल का और सचिन का, ये अपनी बातों पे अभी भी मुकरते हैं। वीडियो इनके वीडियो रिलीज किया है, वॉइस मैसेज अब भी कह रहे हैं कि जो है ना ये झूठे हैं। झूठे आप हो, मकार हो, कब तक झूठ बोलोगे? तमाम लोग हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हमारा हाथ और आपका गरेबान। याद रखना एपी सिंह, आप कहीं भाग नहीं सकोगे, याद रखना। सचिन अपना तैयारी पकड़ो, याद रखना आपने बहुत जो है बच्चों के नाम पे पैसा कमाया और बहुत सारा नशा किया, याद रखना आपसे भी हिसाब लिया पड़ेगा। छोटे बच्चों को पैसे मिल रहे थे, उनके नाम पे पैसे आ रहे थे, आपके बाप के पैसे थे बेगरत, आपके बच्चों के नाम पे पैसा कमाया तुमने, औरतों को नचवाया तुमने, एपी सिंह साहब ने ढुमके तुम लोग लगवाते हो और कहते हो कि दुकान पाकिस्तान वाले चलाते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं ना हिंदुस्तान का नाम है। आप एपी सिंह घटिया हो, और नित्रपाल, सज्जन और जो है बाबा, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हम किसी के मुल्क के खिलाफ कभी नहीं है ना कभी बोलेंगे, याद रखना। तमाम लोग अच्छे हैं, भारत के लोग तमाम मुखलिस हैं, अल्लाह उनको इज्जत दे, हमारे साथ हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ आप हमेशा हक और सच की बात किया करो, इंसानियत को जिंदा रखो। जो है कब तक एपी सिंह का साथ दोगे, कब तक जो सच्चाई को छुपाओगे? आओ सामने, बहादुरों की तरह लड़ाई करो, सामने आओ असल क्या है, लोगों को बताओ। चार बच्चे छोटे मासूम 10 साल से कम एज में इनके जबर में है, ये कहते हैं कि हम बच्चों को भी आज सीमा को ढोंके लगवा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कल हैदर के बच्चों के साथ भी ऐसा होगा? हरगिज नहीं। इंसानियत के नाते उठो, अपना जो है जज्बा जाहिर करो, सोशल मीडिया पे अपना बयान करो, और एपी सिंह को अपना असली चेहरा बताओ कि एपी सिंह आप इसके काबिल हो। सीमा आप परेशान ना हो, आप क्यों अभी तक डरे हुए हो? कायर सामने आओ ना, बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, उनका तो ख्याल करो। छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, 10 साल से कम एज में है, कब तक आज तुम ढुमके लगवा के मार खा के इनको कमा के दे रहे हो, कल मेरे बच्चे? कभी नहीं, हरगिज नहीं। सीमा को जेल भिजवाएंगे और चार बच्चों को इंशाल्लाह जरूर ले आएंगे। सीमा आपने गलत किया तो आपको यही सिला मिल रहा है, दुनिया में भी मिल रहा है और आखिरत में भी मिलेगा, ये याद रखना। तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ हमेशा सच का साथ दो। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।